द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग एपिसोड 29 की शुरुआत में हमें सरों को दिखाया जाता है जो डांस इवेंट की तरफ आ चुकी होती है। मिस्टर टैंग उसका स्वागत करने के लिए आया होता है, तभी वहां पर वेल्डिंग आ जाता है जिसे देखकर मिस्टर टैंग काफी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जो मिस्टर टैंग होता है वो जो रोज लाया होता है उन्हें लेने चला जाता है और फिर वहां पे अनाउंस होता है कि जो 59 ग्रेट है उसका डांस शुरू होता है। और सौरंग सोच रही होती है अच्छा हुआ कि उसने बैनली को लाया, वो कितनी लकी है कि बैनली उसकी बातें मान गया और यहाँ पे आ गया उसके साथ। और वो मिस्टर टैंग को मना कर देती है, वो किसी और के साथ डांस करेगी। मिस्टर टैंग बोलता है यानी कि पूछता है कि वो कौन है लकी बंदा जो तुम्हारे साथ डांस करने वाला है। सौरंग उसे बताती है कि वो उसी के स्कूल का है, वो उसका नाम जानता है बैनलिंग। तभी मिस्टर टैंग मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है तुमने कहा कि वो तुम्हारे साथ डांस करने आया है लेकिन उसने तो किसी और का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और वो काफ़ी चौंक जाती है और जो बैनलिंग होता है वो 59 के ग्रेड के स्टूडेंट के साथ नाच रहा होता है और ये एक प्लान होता है मिस्टर टैंग का जिससे वो सौरंग से दूर कर सके बैनलिंग को। उसके बाद जब सौरंग वहाँ पे देखती है तो बैनली डांस कर रहा होता है, उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर टैंग उसे बोलता है लगता है बैनली ने अपनी चॉइस चुन ली है तो अब तुम मेरे साथ डांस करो। सौरंग काफ़ी गुस्से में मान जाती है और बोल रही होती है कि बैनली तुम एक बड़े बेवकूफ़ हो। फिर मिस्टर टैंग हंसते हुए अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है और बता रहा होता है कि उसने बैनली को डिस्टर्ब करने के लिए अपना एक स्टूडेंट भेजा था जिसके साथ ही वो सौरंग के साथ डांस कर सकेगा और ये प्लान बढ़िया जा रहा होता है उसका। फिर हमें बैनली को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। फिर हमें पास्ट में बताया जाता है यानी कि कुछ ही समय पहले वो लड़की आती है और बैनली को बोल रही होती है और अपने मैजिक से उसे अपने वश में कर लेती है जिसकी वजह से उसे उसके साथ डांस करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मिस्टर टैंग होता है वो बैनली का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने एक परफेक्ट गर्ल चुनी ली। और जो सौरंग होती है वो काफ़ी गुस्से में चिल्ला रही होती है। इस बात से मिस्टर टैंग उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। सौरंग बोलती है कुछ नहीं। मिस्टर टैंग मन में बोल रहा होता है कि वो मजा चखा के रहेगा और ये बातें वो स्टूडेंट पढ़ लेती है वो भी उसके दिमाग से। फिर मिस्टर टैंग उसे ऑर्डर देता है कि बैनली को ख़त्म कर दो और वो आगे बढ़ जाती है और एक हमला करने ही वाली होती है बैनली के ऊपर। दूसरी तरफ जो मिस्टर टैंग होता है वो देख रहा होता है उस नज़ारे को जब वो अटैक करेगी उसकी वजह से वो नेकेड हो जाएगा और वो सबके सामने शर्मिंदा भी हो जाएगा। फिर बैनली एक हवे के झोंके से उसके अटैक को रोक लेता है और बाउंस बैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उनकी तरफ एक हवा की लहर पड़ती है और वो स्टूडेंट सोच रही होती है कि उसका अटैक कहाँ पे गया। तभी मिस्टर टैंग को देखते हैं जिसके सर का शेप बदला हुआ होता है क्योंकि उसके ऊपर के बाल उड़ चुके होते हैं उस अटैक से। और सौरंग उसको देखकर काफ़ी हंस रही होती है। बैनली बोल रहा होता है मैंने कहा था तुम्हें पहले, तुम्हें अफसोस होगा इसके लिए लेकिन तुमने माना नहीं। फिर मिस्टर टैंग अपने आप को आईने में देखता है और काफ़ी डर जाता है और रोने लगता है और वो डांस को छोड़कर जोर से चिल्लाते हुए मम्मी उसको घर जाना है और वहाँ से भाग जाता है। पीछे से वो लड़की उसको बोल रही होती है प्रेसिडेंट आप ठीक तो हो ना, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी होती है। उसके बाद सौरंग बैनली के पास जाती है और पूछती है क्या आप हम दोनों डांस कर सकते हैं साथ में। बैनली मान जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है कि तभी वहाँ पर छाय आ जाती है और वो सौरंग को बोलती है कि अब वो उसके साथ डांस करेगी तो तुम चिंता मत करो जाके बैठ जाओ। और जो छाया होती है वो बोल रही होती है तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते ब्रदर बैनली। ये सब देखकर सौरंग काफी शौक में चली जाती है और बोल रही होती है फिर से ये क्या हो गया। और जो छाया होती है वो बोल रही होती है बैनली से आखिरकार वो जानती है तुम्हारा सीक्रेट। इस बात से बैनली काफी हैरान हो जाता है और जो छाया होती है वो हंसने लगती है। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है।